हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज के वीडियो देखने वाले आपके रिक्वेस्ट पे, आपके कमेंट पे यूनिट 4 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड थर्मल लैंग्वेज यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कम से कम क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही हम आज के वीडियो देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये पांच प्रकार के क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, PDA यानी पुश डाउन ऑटोमेटा विद डायग्राम, यानी पुश डाउन ऑटोमेटा होती क्या है, इसके डायग्राम के साथ अच्छे से आपको थ्योरी तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चन नंबर दो की बात करें तो एक्सेप्टेड बाई एम्प्टी स्टैक और फाइनल स्टेट पुश डाउन ऑटोमेटा डिफरेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो डिज़ाइन PDA फॉर गिवन लैंग्वेज, यानी आपको लैंग्वेज गिवन होगा और उसके लिए आपको पुश डाउन ऑटोमेटा क्या, PDA क्या हो करना होगा, डिज़ाइन करना होगा। और क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो कन्वर्जन ये है, यानी CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से पुश डाउन ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्जन करते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है, इसको आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है, प्रिपेयर करके जाना है। और इसके वाइस वर्सा यानी PDA से CFG में कैसे कन्वर्जन होता है, इस पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल और इसके स्टेप बाय स्टेप थ्योरी भी पढ़कर आपको जाना होगा, पॉइंट वाइज आपको लिखना होगा ताकि अच्छा नंबर मिल सके। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, देखिए डिज़ाइन टू स्टैक PDA, यानी टू स्टैक PDA कैसे डिज़ाइन करते हैं फॉर गिवन लैंग्वेज, दिए गए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और इसके पहले आप टू स्टैक PDA के बारे में इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा कि टू स्टैक PDA होती क्या है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।